भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा लोकसभा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खंडवा लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। कई प्रत्याशियों द्वारा अपनी दावेदारी पूरी दमखम से जताई जा रही है। वहीं खंडवा के प्राचीन मंदिर महादेवगढ़ के संरक्षक अशोक पालीवाल रविवार को खंडवा जिले के मुंदीनगर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। हम आपको बता दें कि अशोक पालीवाल का नाम प्रमुखता से चल रहा है। इस चुनाव में संघ की भूमिका भी बड़ी रहेगी। वहीं सूत्रों के हवाले से संघ की दृष्टि से अशोक पालीवाल का नाम भी भाजपा प्रत्याशी के रूप में हो सकता है। आरएसएस की शाखाओं से निकला व्यक्तित्व के साथ ही उनकी खंडवा लोकसभा क्षेत्र के युवाओं में भी अच्छी पैठ है। वहीं पालीवाल का कहना है कि युवाओं के माध्यम से माता बहनों और बुजुर्गों तक पहुंचेंगे। हालांकि आपको बता दें कि कोविड-19 के तीसरे लहर के प्रकोप से बचने के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब चुनाव आयोग चुनाव की तारीख तय करेगा और भाजपा संगठन किस किस के नाम पर मोहर लगती है। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। भाई जहाँ भी मैं जा रहा हूँ युवा मुझे अपने बीच का समझ रहा है, क्योंकि मैं स्वयं सेवक हूँ बाल्यकाल से, और युवा जो पूरा है पूरी लोकसभा का जी, वो कहीं ना कहीं संघ से और उसके अनुसांगिक सारे संगठनों से जुड़ा हुआ है जी। तो उनका उत्साह तो बनता ही है। उनके बीच का कोई व्यक्ति अगर धर्म की ध्वजा लेके लोकसभा में निकला है जी, तो सबसे अग्रिम पंक्ति में तो युवा ही खड़ा होगा, जो खड़ा हो रहा है। भाई साहब चुनावी दृष्टि से देखा जाए अगर तो युवाओं के दम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, तो ऐसा आप क्या काम कर रहे हैं जिसे मातृशक्ति बुजुर्ग एवं अन्य वर्ग को जोड़ा जा सके? देखिए युवा माध्यम है जी, और समाज में मुझे मातृशक्ति का भी उतना ही बड़ा विश्वास है, उतना ही बुजुर्गों और वरिष्ठों का भी मेरे प्रति उतना ही विश्वास है। युवा माध्यम बन सकता है जी, और युवाओं के माध्यम से ही हम हर जगह पहुंच सकते हैं जी, और युवा ही मातृशक्ति का भी माध्यम बन रहा है और सारे वरिष्ठों का भी माध्यम बन रहा है कि वह राष्ट्रभक्ति के अपने विचारों को वह हर व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।